नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 32 इयर्स ओल्ड फीमेल और ये पूछना चाहती हैं कि आगे बिजनेस करूं तो कैसा रहेगा, किस फील्ड का बिजनेस अच्छा होगा, अपने हस्बैंड के ट्रेडिंग के वर्क में अगर हेल्प करें तो कैसा रहेगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं इनके। मकान कब तक हो जाएगा और आगे बच्चे पति इन सबकी कैसा हेल्थ वेल्थ कैसा रहने वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम इनके हाथ को देखते हैं तो अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है और देखिए पाम में अच्छी ब्राइटनेस भी है और ये स्क्वायर्ड पाम है। ऐसे लोग एज वाइज ग्रो करते हैं और धीरे ग्रो करते हैं। ऐसा लगता है कि शुरुआत में जीवन में कुछ नहीं खास हो रहा, शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मैं ग्रोथ नहीं ले पा रही। हम राइट हैंड इनका इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन जो है करियर बेस्ड हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इनकी माइंड लाइन को, ये देखिए माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। अगर मैं देखूं तो इनके अर्ली एज भी काफ़ी स्ट्रगलिंग मुझे देखती है। ऐसा लगता है अर्ली ट्वेंटीज़ से लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखना, प्रेजेंटली भी स्ट्रगल देखना, ऐसा कुछ लग रहा है। और इनकी यव का चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा है। यव का चिन्ह जब वो आता है इंसान के जीवन में, प्रेजेंट समय को दर्शा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान बाउंडेड फील कर रहा है, खुश नहीं है अपने जीवन में। ऐसा लग रहा है काम रुक रुक के बन रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मैं एक तरह से एक लाइफ में स्टक होकर रह गई हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही मुझे। आगे ग्रोथ के लिए मैं क्या करूं, मैं क्यों कब इस ऐसी चीज़ों से बाहर आऊंगी कि जिसमें मैं खुद का अपना ग्रोथ ले सकूं, अपनी पहचान बना सकूं, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जब भी ये इस तरह का यव का चिन्ह आइलैंड का चिन्ह आता है, इंसान को क्या होता है कि आउटर वर्ल्ड से भी परेशानियाँ मिलती है। हर कोई इनको गलत समझता होगा, हर कोई इनकी तकलीफ़ नहीं समझता होगा और उनको, और जैसा होता है ना, हर कोई आता है लेक्चर सुना के जाता है, ऐसी कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस जीवन में बनता है। यहाँ पर देखिए आप, ये गड्ढा टाइप का सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेन चलाया गया हो, ऐसा गड्ढा इस तरह का। यहाँ पर भी देखिए ये यव का चिन्ह ये इस तरह का बन रहा है और ये फिर आगे जाके दो भाग में रेखा बट रही है। जब भी रेखा दो भाग में आगे बढ़ती है, इंसान के जीवन के उस पड़ाव पे एक बड़ा एक्सपोजर होता है। ये एक्सपोजर मुझे तकरीबन दिखता है 39 और 40 के आसपास दिखता है, जिसमें अभी काफ़ी समय है, लेकिन ये एक्सपोजर मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तब इनको ज़्यादा ऐसा टाइम मिल पाए कि जिससे ये अपना खुद का कुछ कर पाएँ। और ये देखिए ऐसे लोग क्या होता है कि जब ये इस तरह का बड़ा एक्सपोजर होता है तो कोई ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना या कोई बड़ी कोर्स करके कुछ बड़ा जीवन में कर पाना, ऐसी कुछ चीज़ मुझे तब उस समय दिखाई देती है। इनका क्वेश्चन था कि क्या ये बिज़नेस कर सकती हैं। देखिए यहाँ से रेखा बिज़नेस के लिए एक स्मूद रेखा ऐसी आनी चाहिए, ये स्मूद रेखा नहीं है एक्चुअली। अगर ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं जब रेखा में स्मूदनेस नहीं हो, ये देखिए डिस्टर्बेंसेज, ये इस तरह के डिस्टर्बेंसेज नहीं है और यहाँ जाके रेखा काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो ऐसे में जब वो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस नहीं चलता। अपने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, हर इंसान चाहता है कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें जो पैसा मैंने लगाया उसके रिटर्न्स आने चाहिए, साल भर में 2 साल में वो रिटर्न्स होने चाहिए। ऐसी चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जो कट्स क्रॉसेज हैं, ये देखिए आप, ये कट्स क्रॉसेज, ये इस तरह के, ये सब ये ख़त्म हो जाए तो इसमें समय लगेगा। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये रेखा इस तरह से चल रही है, यहाँ जाके ये स्टॉप हो गई है और ये इस तरह के जो कट्स आते हैं वो काम को बनने से रोकते हैं, यानी कि आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट चाहता है हर कोई, वो प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे। तो हो सकता है कि आगे जब इसे हमने 38 का टाइम पीरियड हमने देखा तो ये रेखा एकदम साफ हो जाए, ये सारे कट्स छट जाएं। और इनके हाथ में देखिए, मैं इनको सजेस्ट करूँगी, ये देखिए कितने छोटे, ये रेखा इस तरह से सूर्य रेखा आ रही है, ये भाग्य रेखा ऐसे चल रही है कि यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है। ये क्या होता है कि जब इस तरह की बड़ी बड़ी रेखा हों, और ये देखिए ये कट्स, ये सब डिस्टर्बेंस, ये कट्स, ये क्या है कि इन रेखाओं को काम नहीं करने दे रहा, फल नहीं देने दे रहा। तो ऐसे में इनको मेडिटेशन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और ये देखिए ये आपका चिन्ह भी साथ में है, तो दिक्कत परेशानियां फेस करना, मेंटल पीस ना होना, जैसे होता ना कि हर मन में खुशी शांति ना होना, तो दिक्कत परेशानी सी फेस करना, हर वक्त होता है कि मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी मैं अपने मन मुताबिक जीवन नहीं जी पा रही, मेरे सारे काम रुके हुए हैं, मैं स्टक हो गई हूँ अपने जीवन में, मुझे कहीं कोई मतलब पहले मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही, ऐसी कुछ फीलिंग होना। तो
वो सारी चीज़ें, तो मेडिटेशन करने से या और जो मैंने गायत्री मंत्र का जाप बताया, गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये सारी जितने भी ये कट्स हैं ये सब दूर होते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम इनको साल भर गायत्री मंत्र का जाप इन्हें डेली नियम से करना चाहिए, जिससे कि इनको अच्छे रिजल्ट्स मिले और इस जो ये आइलैंड का चिन्ह है यानी कि यव का चिन्ह है उसके असर भी नलीफाई होने लगे, धीरे धीरे करके ये कट्स क्रॉसेस वाली जो रेखाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर मैं और देखूं तो ये देखिए, ये इतना बड़ा ये इस तरह की रेखा है, ये यहाँ से ये देखिए सूर्य रेखा इस तरह से आना और ये ऐसा त्रिशूल नुमा निशान। क्वालिटी की कमी नहीं है, टैलेंट भी इनके अंदर होगा, लेकिन ये जो है ना ये काम नहीं बनने देती हैं, इंसान के स्किल्स ऐसा लगता रखे से रह रहे, ऐसी कुछ फीलिंग आना। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि ये मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ से शुरू हुई हाथ के इस छोर से और यहाँ से जाती भी ये दूसरे छोर तक आ रही, यानी कि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जब भी जाती है माइंड बहुत शार्प होता है। माइंड जैसे कहते हैं ना कि दिमाग तेज़ दिमाग को दौड़ाना और कैलकुलेटिव माइंड होना, एनालिटिकल माइंड होना, और होता क्या है ऐसे लोग जीवन में ना काफ़ी जैसे इनके अंदर होता है सोते जाते कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्या कर सकते हैं और बेटर मैं अपने लिए और क्या अच्छा कर सकती हूँ, सब तरह से इस तरह की चीज़ें ये लोग लेके इनके माइंड में कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, इनको रहता है कि मैं क्या नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, ये सब चीज़ें इनके माइंड लाइन दर्शा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी कि देखिए अब पैसे रुपए की बात करें तो यहाँ पर एक रेखा इस तरह से निकल रही है और यहाँ पर एक कट आ रहा है, तो ये रेखा भी बहुत लहराती हुई चल रही है, ये इस तरह से 33 के आसपास से चेंजेस दिखते हैं, बट बहुत स्ट्रेंथ, अगर आप सोचें कि रुपए कमाने की जैसे इन्होंने बात कही कि मैं रुपए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ जैसे कि मेरा बिजनेस हो या हस्बैंड के बिजनेस में साथ दे, तो ऐसा कुछ बहुत ब्राइट योग नहीं दिखता। ये अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, एज एम्प्लॉय वर्क कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपना कुछ अलग लेवल से करना तो वो बहुत ब्राइटनेस नहीं दिखती, मतलब ग्रोथ नहीं दिखता कि अगर आप करते भी हो तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स एकदम से नहीं दिख रहे। यहाँ से मुझे तकरीबन 38 के आसपास ये देखिए रेखा इस तरह से निकल रही है, ये ऐसी वाली हैंड दिख रहा है, ये देखिए दो भाग्य रेखा इनके हाथ में है। कभी कभी क्या होता है जीवन में जब हम रिजल्ट्स चाहते हैं उस समय हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट लेकिन हाँ जीवन में एक समय आता है भाग्योदय का समय आता है जब हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और हमारी सारी मेहनत कामयाब होती है, वो समय भाग्योदय का मुझे 38 के आसपास मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए ये लाइन इस तरह से चलती हुई आगे चल रही, लॉन्ग टर्म चीज़ें ऐसा कुछ देखना। यहाँ पर क्या हो रहा है अगर मैं देखूँ प्रेजेंट समय में, ये देखिए ये यहाँ और ये छोटा सा शुरू करा और जो कि बहुत मजबूत नहीं है, फिर उसके बाद 35 पे कुछ शुरू करा जो कि बहुत मजबूत नहीं है ऐसा दिखता है। यहाँ पर भी कट, ये तकरीबन 30 के आसपास भी कोई कट मुझे दिखाई देता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होना। फिर यहाँ पर 26 के आसपास भी एक कट इनका रहा है, 24 के आसपास भी कुछ चेंजेस जीवन में होना, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो फाइनेंशली अगर मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी थोड़े टाइम इनको वेट करना चाहिए, इनका बच्चा भी छोटा है, तो ये अभी समय ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट करे चीज़ों को, इनको अगर कोई कोर्स करना है कुछ अपने अंदर नॉलेज को अपग्रेड करना है वो समय इनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर जॉब की अर्निंग की बात अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा समय मुझे या बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स वाला समय मुझे नहीं दिखता। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये लाइफलाइन देखिए, लाइफलाइन पर भी यहाँ कट्स हैं। जब भी इस तरह के कट्स होते हैं तो इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहना, फैमिली प्रॉब्लम्स लगी रहना, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये देखिए यहाँ से मैं दिखाऊंगी ये डार्कनेस, ये देखिए ये लाइन की डबलिंग सी भी हो रही है, हम दूसरी पिक्चर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस हैंड में ये देखिए डार्कनेस है, थोड़ा जंजीरदार होना, तो ये स्ट्रगल को दर्शा रहा है। अब अगर देखें आगे जैसे जैसे जीवन चलेगा चीज़ें स्मूद होती जा रही हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं लग रही मुझे, तो मुझे लगता है 38 के आसपास से आते आते चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इनकी हार्ट लाइन को, हमने जीवन रेखा देखी, हमने मस्तिष्क रेखा देखी इनकी,
भाग्य रेखा हमने देखी, और भाग्य रेखा देखिए यहाँ से निकल रही चंद्र पर्वत से, तो किसी फीमेल का सपोर्ट इनके जीवन में अच्छा खासा बना रहेगा, चाहे माता हो, बहन हो, बेटी हो, उसका सपोर्ट जीवन में बहुत अच्छा बनेगा। अब ये देखिए हृदय रेखा, हृदय रेखा में भी दो यव के चिन्ह, अपनों से ही धोखा मिलना, ये यहाँ तक रेखा जा रही है। ये लोग बहुत दयालु टाइप के होते हैं, हम्बल नेचर होना, दयालु होना और लोगों की बहुत मदद करना, कोई अगर जरा सा कह भर दे फौरन दौड़ के मदद करने को तैयार हो जाएंगी। ये वो लोग होते हैं जो अपने हिस्से की दो रोटी भी दूसरों को दे देते हैं कि हम देखा जाएगा कुछ भी खा लेंगे तुम खा लो। ये ऐसे दान करने वाले हेल्पफुल नेचर के लोग होते हैं। लेकिन ये दो यव के चिन्ह अगेन जंजीरदार होकर दर्शा रहे किसी अपने से धोखा मिलने का योग होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं जीवन में लोगों के लिए कितना भी कुछ भी कर लें उसके बाद भी अंत में इनको बुराई ही सुनने को मिलती है। अब चलते हैं इनके हैंड में और आगे की ओर। ये देखिए ये जीवन का ग्राफ, जीवन में इनिशियली स्ट्रगल है लेकिन आगे लेटर ऑन लाइफ में रिलीफ है। देखिए यहाँ पर भी भाग्य रेखा देखें ना, ये इस तरह से जा रही है तो ये ओल्ड एज अच्छी बनाती है। इनका क्वेश्चन था बच्चे को भी लेके, तो बच्चे का भी सपोर्ट जीवन में अच्छा खासा इनको मिलेगा, और बच्चे का जैसा होता ना बच्चा सपोर्ट करना, बच्चे की तरफ से सुख मिलना आगे लेटर ऑन लाइफ में, वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये धन की तिजोरी अच्छी खासी है, इंटरनल पोजीशन अच्छी होना, अच्छे परिवार में जन्म लेना, और ये देखिए अच्छा बैंक बैलेंस भी जीवन में मेंटेन करना। अच्छा इनके हाथ में अगर मैं देखूँ तो देखिए जिस तरह का ये हैंड है, ऐसे ही लेडीज़ अपने पति को अच्छा भाग्य देती है, पति को भाग्य देना, परिवार को भाग्य देना, ये इस तरह का हैंड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इनके यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरह की फिंगर इधर की ओर टिल्ट हो रही है, ऊपर वाले में आस्था भी रखना और साथ में होता क्या रिलीजियस माइंडेड होना। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर लंबी है, काफ़ी लंबी है, तो ये लोग जो होते हैं ना अपने टैलेंट क्रिएटिविटी इसमें बहुत बिलीव करते हैं और इसी के बल पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेज तक नहीं पहुँच रही है, भोले स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं ये लोग, और ये फिंगर और इस फिंगर में गैप है अच्छा खासा। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ये खर्चीला स्वभाव भी दिखाता है, ये गैप है परिवार से अलग हट के सोचना, थोड़ा सा होता ना कि अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना लाइफ में, ये चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइंस जो है ना लंबी लंबी लाइंस, ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं आपको कि आप भाग्यशाली बनाती हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करवाती हैं। इनका एक क्वेश्चन था घर खरीदने के लिए तो मुझे कुछ 38 के आसपास खर्चा करने का योग दिखता है। एक हो सकता है कि अगर ये बहुत रिसेंटली चाह रही हैं तो 33 के आसपास का भी योग एक खर्चा करने का दिखता है कि 33 के आसपास कोई खर्चा करा बड़ा उन्होंने, वो भी योग बनता है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, जब भी गुरु की फिंगर पे इस तरह का उल्टा लूप होता है इंसान जीवन में जो भी काम करता है बड़े अच्छे से कायदे से तरीके से करता है। और ये देखिए अगेन ये इस तरह की लाइंस, नेगेटिव लाइंस, यानी कि तारीफ नहीं मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, ऐसे लोग जीवन में क्या होता है कि जितनी भी दुख परेशानी आती है उन सब से काफ़ी कुछ सीखते हैं। इनको पता चल जाता है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। ये देखिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ये अब ये देखिए ये है यहाँ पर बड़ा अच्छा चक्र का निशान, बहुत बढ़िया चक्र का निशान है। ऐसे लोग अपना टैलेंट मरने नहीं देते, इनको होता है कि नहीं मैं करूँगी भले ही कुछ साल बाद हो, होता है देखिए लेडीज़ के साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन वो अपना होता है ना कुछ बड़ा करके ज़रूर दिखाते हैं। इनके हाथ में जो मैंने त्रिशूल नुमा निशान दिखाया वो इनको रुकने नहीं देगा, इनकी मस्तिष्क रेखा भी एकदम इतनी लंबी ये रुक नहीं पाएंगी, ये इनको अपने आप ये मौके इनके लिए अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, ये खुद मौके लेते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, ये आगे जाके जैसे जैसे समय क्रॉस होगा ये अपने लिए खुद ब खुद रास्ते बना लेंगी, खुद ब खुद ये चीज़ों को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखें ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, उल्टा लूप वाले जो लोग होते हैं इन लोगों को उधार देना से बचना चाहिए। जब भी किसी को उधार देंगे वो उधार लौट के नहीं आएगा, जब भी किसी की मदद करें तो ये सोच के करें कि एक तरह से डोनेशन के तौर पर करें। इनका एक क्वेश्चन था स्टॉक ट्रेड मार्किंग में अपने हस्बैंड की बिज़नेस करने का, तो ऐसे लोगों को अपने नाम से बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, स्टॉक ट्रेडिंग्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको अपने नाम से नहीं मिलते हैं ऐसे लोगों को। अब चलते हैं इनके थंब की ओर,
अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डबल लूप है। जब भी डबल लूप होता है हाथ में, इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, होता क्या है, शिफ्टिंग्स हैं, ट्रैवलिंग्स हैं या अप एंड डाउन्स आना। एक बार ऐसा लगेगा चीज़ बिल्कुल अप पे पहुँच गई, फिर दूसरे में लगेगा नहीं नीचे डाउन में पहुँच गई, बार बार जीवन में यू टर्न्स आना, ऐसा कुछ जीवन में दिखता है। ये देखिए ये इस तरह के, ये फालतू के हर्डल्स, फालतू की टेंशन परेशानियाँ, दिक्कत परेशानियाँ, फालतू के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होना। अब ये देखिए जितने भी मैंने ये नेगेटिव लाइंस बताई, ये सारे जो हर्डल्स हैं परेशान करते हैं, तो जो मैंने उपाय बताया गायत्री मंत्र का वो वाला करें, उससे सारे धीरे धीरे करके सब नेगेटिव जो लाइंस हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा, और ये देखिए ये यव का साइन यहाँ पर बहुत बढ़िया होता है, अंगूठे के पर यहाँ पर यव का साइन आता है, इंसान को भाग्यशाली भी बनाता है, साथ ही साथ एक अच्छे घर परिवार में जन्म दिलाना, एक अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छी आदतें सीखना, वहाँ के संस्कार आगे तक लेके जाना। और देखा जाए तो ये अंगूठा काफ़ी जैसे एकदम सीधा स्ट्रेट है, जो एक बार सोच लिया, मन में ठान लिया, करके दिखाते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे वाले लोग ये होते हैं। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें वो हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उन्नर लूप है, सेम हमने यही चीज़ राइट हैंड में भी देखी थी। इंसान जो है अपना कहना चाहिए कि अपना एक्सपोजर बढ़ाता है नेम फेम बनाने में, उस वो कड़ी मेहनत भी करता है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाता है। एक दिन यहाँ पर देखिए ये इस तरह का उल्टा लूप, सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था। ऐसे लोग का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, इस तरह के ज्ञान इनके अंदर बहुत अच्छा देखा जाता है। यहाँ पर देखें तो ये एक इस तरह का पिकॉक साइन है, जीवन में कई बार वर्क एरिया को भी ये लोग चेंज करते हैं परंतु सक्सेसफुल होकर दिखाते हैं। देखिए ये स्टैंडिंग लाइन से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, करियर में अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का उल्टा लूप है, तो ऐसे लोगों को अपने स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है, उधार देंगी कभी भी वो लौट के नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी पैसा कमाने के बहुत अच्छे ट्रिक्स टिप्स ऐसे लोगों को बहुत अच्छे आते हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। ये देखिए यहाँ पर भी ये डबल लूप टाइप है, ये डबल लूप जब भी आता है, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था, तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स आना, चीज़ों में काम करने में दिक्कतें, परेशानी महसूस करना, बार बार यू टर्न्स आना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो होता क्या है कि इंसान ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार हर दो दो साल में, एक एक साल में चेंजेस आना, कोई काम करो तो वो बनता ही नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाना, ये सब प्रॉब्लम झेलते हैं। अगर हम ओवरऑल सारी चीज़ों का समराइजेशन करें, एक चीज़ और ये देखिए यहाँ पर भी ये आपका साइन, लेटर ऑन लाइफ में सक्सेस मिलना, और विल पावर अच्छी खासी है, और लॉजिक प्लानिंग अगेन बहुत बढ़िया है। अब अगर हम देखें 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें, तो हमें इनके हाथ में एक सूर्य के फिंगर पर राइट हैंड में चक्र दिखता है, और बाकी अगर हम देखें तो हमें उल्टा लूप्स दिखे, हमें डबल लूप दिखे, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, ये रुकते नहीं हैं, ये रुकने वाले लोग नहीं हैं, ये उनमें से होते हैं कि हम खुद चीज़ें बना लेंगे, हम खुद अपॉर्चुनिटीज़ कर लें, अपने लिए क्रिएट करेंगे, बस भाग्य का साथ देना इनके लिए बाकी होता है। ये लोग क्या होता है, जब अपनी मेहनत पे इनको पूरा विश्वास होता है, अपनी मेहनत से, काबिलियत से, ये आगे एक दिन बढ़ते हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वन मैन आर्मी, मैं खुद कर लूँगी, ऐसे वाले लोग होते हैं। ये पार्टनरशिप्स इनको सूट बहुत अच्छी नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप में काम करेंगे ना, तो इनका जो टैलेंट है वो, जो जैसे कहते हैं ना, टैलेंट अंडर रेटेड हो जाता है। टैलेंट इनके पास होगा, इनका पार्टनर जो है इनका सारा टैलेंट लेके और इनके टैलेंट को यूज़ करके और ऐसे में वो फ़ायदा उठा के और धोखा देके चले जाते हैं। इनके हाथ में हार्ट लाइन पर मैं यव के सिंबल भी देखे थे। तो होता क्या, पार्टनरशिप ऐसे लोग करते हैं ना, तो इनके पार्टनर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा इनसे, और लेकिन जब होता ना प्रॉफिट बटने की बारी आती है, तब इनको सिर्फ धोखा मिलेगा। तो इनको खुद ही अकेले ही अपने स्टैंड लेते हुए खुद काम करना चाहिए, दूसरों की मदद नहीं लेनी चाहिए। अब चलते हैं इनके माउंट्स यानी पर्वतों की ओर, देखें वो हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत अगर मैं देखूँ, थोड़ा दबा हुआ है, जीवन में गाइड मेंटोर की कमी होना, और क्या होता है कि ऐसे लोग जो भी सीखते हैं वो खुद अपनी मेहनत से सीखते हैं, अपने, जैसे कहना चाहिए कि हर चीज़ कि जो आज तक सीखा है खुद अपने से सीखा, किसी ने मेरे को गाइड नहीं करा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, ऐसे वाले लोग। यहाँ पर देखिए ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करते हैं ये लोग। और ये देखिए यहाँ पर ये
गुरु वलय भी है, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान होना, कुछ सोशल वर्क करने की भी इच्छा होना, ऐसी चीज़ें रहती हैं, हेल्पफुल नेचर होना। और ये देखिए यहाँ से भी ये इस तरह की लाइंस बन रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये लाइन जा रही है, एम्बिशियस बनते हैं ऐसे लोग। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये क्रॉस का सिंबल भी है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलना। ये देखिए ये अननेसेसरी क्रॉसेस, ये चीज़ों का कट होना। यहाँ पर देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में सुख शांति ना होना, मन में शांति नहीं है इनके। मन में जैसा होता ना कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चलना और डिस्टर्बेंसेस चलना, इस तरह की चीज़ें कि मेरा काम कब बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, मन उदास होना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। हालांकि यहाँ भी एपेक्स का चिन्ह है तो ईश्वर शक्ति का हाथ भी दिखता है। ये देखिए ये लूप ऑफ सीरियसनेस, वर्क इज़ वर्शिप। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने वर्क के टुवर्ड्स। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए पूर्व पुण्य रेखा भी है इनके हाथ में। ये देखिए पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें होना। थोड़ा सा सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, वो भी यहाँ से, तो करियर ग्रोथ इसलिए एकदम से नहीं दिखती। लेकिन हाँ, जीवन में ये लोग जो होता है अच्छी करियर बनाना जानते हैं। ये देखिए ये पूर्व पुण्य रेखा, और ये देखिए सूर्य रेखा हमने देखी थी यहाँ से, ये थोड़ी हल्की हो रही है लेकिन ये इतनी लंबी। अर्ली अच्छे अच्छे नेम फेम मिलना, और ये जो होते हैं ना ये इस तरह की रेखा वाले लोग, ये अपने आप को एक जैसे कहते हैं ऐसे लेवल पे लेकर आते हैं कि नेम फेम बना के दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए गुरु पर्व, जो बुद्ध पर्वत है ये थोड़ा सा दबा हुआ है। बुद्ध पर्वत जब थोड़ा दबा हुआ होता है ना तो कि इंसान को एक्सपोजर करने में अपने आप को समय लगता है, अपने टैलेंट स्किल्स अंदर निकालने में समय लगता है। और ऐसे लोग अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखिए ये हम्बल नेचर के होते हैं, देखिए लंबी लंबी लाइंस हैं। दूसरे हेल्पफुल नेचर के होते हैं, हम्बल नेचर होता है इनका, और इनके अंदर क्या होता है कि दूसरों के दुख दर्द दूर करने की बड़ी अच्छी टेंडेंसी इनके अंदर देखी जाती है। ये देखिए यहाँ पर भी एक लूप है, तो ऐसे में जॉली नेचर्ड होते हैं पर्सन। अब देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत को देखिए, बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। ऐसे में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है इनके अंदर। ऊपर से कितने भी नॉर्मल दिखाई दे रहे हो, अंदर से बहुत बोल्ड होते हैं। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए ये शो नहीं होने देते। यहाँ पर देखिए ये चंद्र पर्वत काफ़ी बढ़िया है, तो मन मजबूत होना ऐसे लोगों का। और साथ ही साथ क्या होता है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना, दूसरों के टुवर्ड्स एक हमदर्दी भरा स्वभाव रखना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। और ये लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी है, ट्रेवलिंग भी जीवन में अच्छी खासी दिखाई देना। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, और अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना पसंद है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग क्या होते हैं जीवन में सबसे प्यार करो, सबको खुश रखो, सबके लिए बहुत कुछ करना, ऐसी फीलिंग इनके अंदर बनी रहती है। अभी देखिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी, जीवन रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब है और यहाँ पर भी रेखाओं में डिस्टर्बेंस है। तो ऐसे लोगों का कई बार पेट की खराबी होती है, या ऐसे लोगों को थोड़ा शरीर कमज़ोर होना, कमज़ोरी महसूस होना, ऐसी कुछ चीज़ें, या होता है ना थोड़ा सा रेस्टलेस फील करना, या लगता है कि थके थके से, ऐसे बोझिल से, ऐसी कुछ फीलिंग दिखती है। बाकी कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर हेल्थ इशू कोई मुझे नहीं दिखाई देता फिलहाल। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें वहाँ क्या मिलता है हमें। अब देखिए इनका क्वेश्चन था आगे रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी। यहाँ पर ये चीज़ें, ये देखिए ये इस तरह का डिस्टर्बेंसेस, ये होता क्या है कि लाइफ में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होना, या जैसे कि लाइफ में थोड़े डिस्टर्बेंसेस होना, या ससुराल पक्ष से या किसी और की तरफ से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह से, ये देखिए साथ में रेखाएँ, ये तो ये किसी के द्वारा थोड़ा इंटरफेरेंस जीवन में दिख सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक अगर मैं देखूँ, ये हथेली इनकी, ये भी स्क्वायर्ड है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु पर्वत अगेन यहाँ पर दबा हुआ है। ये देखिए तो जीवन में सब कुछ अपने आप सीखना। यहाँ पर अगर हाथ में देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी रेखा इस तरह से जा रही है, और एक ये मछली का चिन्ह बन रहा है। ओल्ड एज लग्जीरियस रहती है ऐसे लोगों की। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पर इनके देखूँ तो ये एक त्रिशूल नुमा निशान यहाँ दिख रहा है मुझे, त्रिशूल नुमा निशान है। यहाँ से रेखा आती हुई इस तरह से भाग्य रेखा में जुड़ रही है, ये
ऐसे पोजीशन बना रही है, यहाँ से भी एक रेखा आके इस तरह से। रेखाएं अभी फ़िलहाल कमज़ोर हैं, इसलिए कोई भी काम करेंगी तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, स्ट्रगल ही इनको मिलेगा। ये कोई भी काम करना चाहती होंगी तो उसमें स्ट्रगल्स ही आते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए अभी फ़िलहाल रेखाएं मजबूत नहीं हैं। रेखाएं हैं हाथ में लेकिन मजबूती नहीं है उनमें, रेखाओं में। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए बुध पर्वत अगेन दबा हुआ है, चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होना ये देखिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, बाहरी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, तो अंदर से काफ़ी मजबूत होना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर कई बार होता है रिस्क लेने में थोड़ा डर लगना, या रिस्क लेते समय ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और कई बार रिस्क फेल भी हो जाते हैं। ये देखिए चंद्रमा अच्छा खासा है, तो ये देखिए यहाँ से अगेन रेखा का ये निकलना, तो ये फीमेल सपोर्ट दिखाता है। ऐसे लोग ऑनलाइन वर्क भी करें तो उनके लिए अच्छे रहते हैं, ऑनलाइन वर्क का फील्ड, इन्होंने फील्ड पूछा था, ऑनलाइन वर्क से कर सकती हैं। देखिए अगर एजुकेशनल फील्ड में जाती हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का सही समय है, क्योंकि आप सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, एज ए एम्प्लॉई आप वर्क कर सकते हो, ये चीज़ें ये कर सकती हैं। और इनका एक क्वेश्चन था दूसरे बच्चे के लिए, तो दूसरे बच्चे का भी मुझे समय बहुत जल्दी नज़दीक दिखाई देता है, परंतु हाँ इनके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। अब अगर मैं देखूँ शुक्र है तो अच्छा खासा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कितनी डार्कनेस है इनके हाथ में। जब भी इस तरह का डार्कनेस होता है तो लाइफ में काफ़ी हेल्थ इश्यूज़, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, समस्याएँ, दिक्कत परेशानी इंसान ने झेली होती है, वही इनके राइट हैंड में भी मुझे दिखी। तो ये ऐसा लग रहा है कि अभी तक का समय बहुत अच्छा इनका नहीं गया, काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ, टेंशन्स, इस तरह की चीज़ें झेलना, ऐसा कुछ होना, कॉम्प्लिकेशंस कई बार देखना, ये चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर उसके बाद जैसे ही समय क्रॉस हुआ इनका, तकरीबन ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा कि जैसे ही 35 क्रॉस होगा, 33 से 35 चेंजेस आएंगे, 35 के बाद से फिर थोड़े चेंज आते हुए, और फिर 38 के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लाइफ मुझे दिखाई देती है। और अगर मैं ऐसे ही भाग्य रेखा की बात करूँ, यहाँ पर देखिए ये चेंजेस दिख रहे हैं, ये इस तरह से रेखा मजबूत, बहुत मजबूती नहीं ले रही, कट्स 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 ऐसे खर्चे दिखा रही है। तो ये समय लगेगा अभी धीरे धीरे चीज़ों में, और जो मैंने उपाय बताया, उपाय करने से रेखाएं देखिए मजबूती भी लेती हैं, अननेसेसरी जो कट्स हैं वो कट्स भी दूर होते हैं। 3 से 6 महीने अगर कोई गायत्री मंत्र का जाप रेगुलर करे तो ये सारे कट्स, क्रॉसेस, ये सब का असर जो है नलीफाई हो जाता है, ये खुद भी रेखाएं साफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए ये देखिए मस्तिष्क रेखा इनकी, देखिए मस्तिष्क रेखा ऐसे चल रही है और यहाँ पर ये दो ये फोक नुमा हो जाती है। तो कुछ बड़ा एक्सपोजर होना, और बड़ा एक्सपोजर होने के बाद आप कुछ बड़ा कर रहे हो, नेम फेम कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। उससे पहले का समय आप देखो ये रेखा कितनी ज़्यादा डार्क है, ये देखिए। लेकिन जब दो भागों में बटी डार्क ये भी है, क्योंकि लेकिन अब आप टेंशन ले रहे हो तो अपने काम की टेंशन ले रहे हो, लेकिन फल भी साथ में आपको मिल रहा है। तो दो ये फोर्क टाइप की हो रही है, दो मुखी रेखा हो रही है, लेकिन अभी तक के स्ट्रगल कर रहे हो। ये देखिए कितनी जंजीरदार है, तो हृदय रेखा हर एक से होता है ना, कड़वी बातें सुनने को मिलना, डांट मिलना, और फीलिंग्स हर्ट होना, क्योंकि आपका जो भी आता है दिल दुखा के ही जाता है, इस तरह की चीज़ें महसूस करना। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए हाथ में ये रेखा इस तरह से ये आना, ये रेखा का त्रिशूल नुमा निशांस बन रहे हैं, बस सही समय की दिक्कत होना, सही समय आने में देरी है। तो ये सब चीज़ें हमें इनके हाथ में दिखती हैं। अगर हम देखें ओवरऑल हैंड अच्छा है, ये टैलेंट और जैसे कहते हैं टैलेंट और स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा लक की कमी है। तो जो मैंने उपाय बताया वो करें, और साथ में हम इनको मंत्र सेंड करेंगे वो करें, इससे इनकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी और चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अगर इनका मैं बोलूँगी कि अपने हस्बैंड का जो बिज़नेस है वो ज्वाइन करें, एज एम्प्लॉई वर्क करें, एज अ ओनर वर्क ना करें, एम्प्लॉई वर्क करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो एज ए एम्प्लॉई ये सैलरी ड्रॉ कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उनके हाथ में दिखती हैं। अगर ओवरऑल देखें लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता ने दी, राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। लेफ्ट हैंड भी अच्छा है इन्होंने एक, लेकिन राइट हैंड बहुत अच्छा है इनका। राइट हैंड जीवन की मजबूती भी दिखाता है, हेल्प जैसा होता है ना कि आप अपने पति को भाग्य दे रहे हो, ऐसे वाला हैंड दिखाई देता है। साथ ही साथ लगता है कि अपने दम पे काफ़ी कुछ करने की इनके अंदर हिम्मत भी है, और जैसे ही इनका 38 ईयर आएगा ये काफ़ी कुछ कर ले जाएंगे, बहुत कुछ करके दिखाएंगे ये। तो जो अपनी एक समाज में पहचान बना लेना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।